भी हम गए थे अंदर, तो गार्ड साहब ने बोला गाड़ी में 10 मिनट इंतजार करो, उसके बाद बताता हूँ। तो देखते हैं 10 मिनट गार्ड साहब के साथ बात करने गए हैं। तो अभी 1:20 हो गया और अभी 20 मिनट रह रहा है लंच खत्म होने में, मतलब 10 मिनट रह रहा है दोस्तों। दोस्तों हमारी गाड़ी यहाँ पे खाली हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये स्टैंड आ गया टेबल और उधर हेड रखा पड़ा है। अरे भाई जी अभी मशीन फिट कर, देखिए दोस्तों लोग मछुआरा लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं। मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह बज चुके हैं 10 और फाइनली हम आ चुके हैं स्टैंड पे, और स्टैंड पे आते ही हमारा चक्कर भी कंफर्म हो चुका है नोएडा गाजियाबाद साहिबाबाद का। तो अभी हमने गाड़ी लगा दिया पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए। तो अभी लेबर लोग आ रहे हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी रोना स्टार्ट होगी और 10 मशीन है और जा रहा है साहिबाबाद। तो चलते हैं दोस्तों, अब लेबर तो आ ही चुकी है, मतलब अंदर गई है अभी, तो इंतजार करते हैं लोड होगा फिर निकलेंगे यहाँ से साहिबाबाद। 10 मशीन लोड करा के निकलते हैं, तो पहले लोड भी कराते हैं, लेबर आ रही है मशीन लेके और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मशीन है, जितने भी दिख रही है आपको ऊपर नीचे तक स्टैंड है और इस साइड में दिख रहा है आपको एक टेबल है और इसका मशीन अंदर रखा हुआ है। तो अभी पहले मशीन आएगा, फिर स्टैंड आएगा, फिर टेबल आएगा, उसके बाद हमारी गाड़ी लोड हो जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से साहिबाबाद। तो बस इंतजार है कितना देर में लोड होता है देखते हैं बस। दोस्तों यहाँ पे हमारी गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है, अभी 6 मशीन आ चुका है और 4 मशीन अभी और आएगा, उसके बाद टेबल स्टैंड लोड होगा यहाँ से। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है लोड और आज तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है और सोमवार का दिन है आज, आज का दिन भी अच्छा जाएगा भगवान करे। तो गाड़ी लोड होने से पहले हमारा बिल भी आ चुका है दोस्तों, और बिल तो आ ही गया, गाड़ी भी लोड गई है। अब चलते हैं निकलते हैं यहाँ से साहिबाबाद गाजियाबाद के पास में। दोस्तों हमारी गाड़ी वाड़ी लोड हो चुकी है और ये भाई आज दोबारा आएंगे हमारे साथ में, उस दिन भी गए थे। और 10 मशीन फिट करने जाओगे ना अभी? तो अभी हम जा रहे हैं साहिबाबाद, 10 मशीन फिट करेंगे भाई और इनको हम वहीं छोड़ देंगे और मशीन भी छोड़ देंगे, फिर हम आ जाएंगे वापस। चलते हैं दोस्तों निकलते हैं अभी यहाँ से। साहिबाबाद जा रहे हैं गाजियाबाद 10 मशीन फिटिंग करने, ये भाई मशीनें उतार कर वापिस आ जाएंगे और मैं वहाँ मशीनें फिट करके फिर वापिस आऊँगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों नोएडा के पास में ना। हाँ अभी हम नोएडा के पास पहुँच चुके हैं, अट्टा मार्केट। अट्टा मार्केट अभी हम पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 59 के पास में और यहां से साहिबाबाद रह चुका है 12-13 किलोमीटर दोस्तों। और पाटियाला से लोकेशन भी मैंने मंगा लिया है, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ जल्दी जल्दी खाली करा देंगे। तो अभी जा रहे हैं मैं और भाई, मैं तो मशीन खाली करके आप आ जाऊंगा और भाई तो मशीन फिट करेंगे, इनको भी टाइम लगेगा कम से कम 2-3 घंटा। 2-3 घंटा लग जाएगा ना? 3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं भाई कह रहे हैं, मतलब 10 मशीन है तो 1 मशीन में कितना टाइम लगता है कम से कम? 1 मशीन में आधे घंटे तो आधे घंटे से आप 4 घंटे हो गए 10 मशीन, तो 4 घंटे मतलब हो जाएगा पूरा काम ना। तो दोस्तों चलते हैं जल्दी जल्दी भाई को बचा रहे ताकि भाई जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करे और भाई भी टाइम से घर पहुँच जाए ना। तो चलते हैं दोस्तों। अब फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कंपनी और ये सामने देख रहे हो काला वाला गेट, यही कंपनी है। चलते हैं गार्ड साहब को बिल देते हैं और फटाफट खाली खिलाएंगे ना भाई जी। हाँ भाई जी और ये भी फटाफट फ्री हो जाएंगे, फिट करके फिर जाऊंगा मैं। चलो ठीक है चले फिर। तो अभी हम गए थे अंदर, तो गार्ड साहब ने बोला गाड़ी में 10 मिनट इंतजार करो, उसके बाद बताता हूँ। तो देखते हैं 10 मिनट गार्ड साहब के साथ बात करने गए हैं। मास्टर जी जो जिन मास्टर जी का मशीन है जिन्होंने मंगवाया है वो भी ऊपर गए थे किसी मीटिंग में, तो बोला 10 मिनट इंतजार करो उसके बाद आते हैं मास्टर जी फिर हम आपको बताएंगे। तो अभी हम गाड़ी में बैठे पड़े दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 10 मिनट बोले तो हैं पर ज़्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है बोले हैं, तो ये बैठे पड़े हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है। फटाफट खाली कराएंगे भाई को भी, फटाफट हो जाएगा काम। तो आज का दिन तो खराब से खराब जा रहा है, अभी पहले बोले 10 मिनट रुकने के लिए, उसके बाद बोले कि आप लंच हो गया है, लंच के बाद खाली होगा, तो अभी आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो हम आ गए थे पहले ही 12:44 पर आ गए थे, 15 मिनट था, तो 15 मिनट में पहले बोले कि 10 मिनट इंतजार करो मैं बात करके आ रहा हूँ। उसके बाद अभी भी लंच होने में 11 मिनट रह रहा है, लेकिन गार्ड साहब बोला अब लंच हो चुका है आपको कुछ नहीं हो सकता, अब लंच के बाद ही खाली होगा। तो हम बाहर बैठे पड़े गाड़ी में दोस्तों, देखते हैं कितने देर में लंच खत्म होगा, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी खाली में स्टार्ट होगा। दोस्तों अभी 1:20 हो गया और अभी 20 मिनट रह रहा है लंच खत्म होने में, मतलब 10 मिनट रह रहा है दोस्तों।
तो अभी हम यहाँ बैठे पड़े हैं और टाइम पास करते हैं, क्या कर सकते हैं। और अभी हम आ गए अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, 10 मिनट और है, 10 मिनट ट्राई करते हैं, फिर पता चलेगा हमारी गाड़ी खाली होगी। दोस्तों लंच हो गया खत्म और गाड़ी वाड़ी हमने कर दिया, बैग लगा दिया है, चलते हैं ड्राइवर खोल देते हैं दोस्तों और फटाफट मशीन खाली करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों हमारी गाड़ी यहाँ पे खाली हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये स्टैंड आ गया, टेबल और उधर हेड रखा पड़ा है। अरे भाई जी अभी मशीन फिट करेंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी खाली हो गई, आपने दिखाई है, अब चलते हैं गाड़ी बाहर कर लेते हैं। और गार्ड साहब ने गेट भी खोल दिया दोस्तों, तो गार्ड साहब ने बोला कि पहले बाहर लगा लो, उसका रिसीविंग किराया मिलेगा आपको। चलते हैं गाड़ी बाहर कर लेते हैं पहले, सब ने गेट खोल दिया, चलते हैं बाहर करते हैं पहले गाड़ी। दोस्तों अभी तो हमने बारी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है रिसीविंग किराया आने में। और तो अभी गार्ड साहब गए अंदर ऑफिस में, तो आएंगे उसका रिसीविंग किराया मिलेगा, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और भाई को तो हमने यही छोड़ दिया है क्योंकि वो मशीन फिट करेंगे, हमने आपको बताया था 10 मशीनें, आप देखते हैं कब तक आएंगे। तो हम तो रिसीविंग किराया लेकर अब निकल जाएंगे यहाँ से, तो इंतजार है बस रिसीविंग किराया, फिर निकलेंगे यहाँ से। चलते हैं आप गार्ड साहब के पास में, बोलते हैं कि फटाफट करा दो गार्ड साहब, और 40-45 मिनट हमारा पहले ख़राब हो गया है, तो चलते हैं करवाते हैं पहले काम। तो दोस्तों दिन के बच चुके हैं 2:30 और हमें यहाँ पे टोटल 1 घंटा लग गया हमारी गाड़ी खाली होने में, रिसीविंग मिलने में, किराया मिलने में। अब जाके दोस्तों हमें हमारा रिसीविंग किराया मिल चुका है, मतलब फाइनली हमारा काम सब भी ओके हो चुका है। तो अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से ओखला के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों लोग, मछुआरा लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो ही मजा आ रहा है, इतना मस्त हवा चल रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो कितना अच्छा हवा चल रहा है, बाल देख रहे हो मेरे कैसे उड़ रहे हैं। और हल्का पीछे आते ही हवा बंद हो जा रहा है, और आगे जाते ही देखो, ओ भाई क्या ही मजा आ रहा है, गर्मी का मस्त लग रहा है मौसम।
और सभी आप गर्मी अर्मी स्टार्ट ही हो चुका है, फरवरी का महीना आ गया पता ही आपको। तो अब यहाँ पे रुके हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो अब चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। कालिंदीगंज तो पहुँच ही गए हैं और दोस्तों आप चल निकल गए हैं यहाँ से, चलते हैं कालिंदीगंज पे, पहले टूल टैक्स कटाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से और आपको भी दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं टूल टैक्स पे, अभी भैया नंबर वंबर डाल रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं, तो चलते हैं आप पैसा देते हैं। चलो भैया जी, अशोक कुमार, तो वहाँ टूल टैक्स कट चुका है दोस्तों, आप चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों मैं यहाँ से गया सायाबाद, वहाँ से आ भी गया हूँ, कहीं जाम नहीं मिला। आखिरकार मैं आके अंडर पास के पास ही जाम देखो कितना लगा पड़ा है, ये देखो दोस्तों कहीं नहीं मिला, मतलब घर के पास में आके ही जाम मिला और कहीं नहीं मिला। यहाँ से ना जाते समय कहीं नहीं मिला, आते समय भी कहीं नहीं मिला, बस यहीं पे आके मिल गया जाम अंडर पास के पास में। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं फिर देखते। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं स्टैंड पे और स्टैंड पे आके गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है दोस्तों, और ये देखिए बगल में सुधीर भाई की भी गाड़ी खड़ी है हमारी, और अभी तो कहीं गए नहीं है। और दोपहर के 3 तो बज ही चुके हैं दोस्तों, अभी 2 घंटा रह रहा है, अगर कहीं ना कहीं का चक्कर आया हो तो जाएंगे, और हमारा भी कहीं आया तो जाएंगे। तो अभी तो हम दोनों भाई यहीं बैठे पड़े हैं और वो अपना उधर ब्लॉग शूट कर रहे हैं देखिए, और इधर मैं अपना कर रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अभी उनकी गाड़ी में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उनकी गाड़ी में बैठेंगे। तो अभी देखते हैं कहीं और का कोई लोगों को होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो अभी 2 घंटा रह रहे हैं नो एंट्री होने में, कहीं ना कहीं का दोस्तों आ ही जाएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर लोकल होगा तो मारेंगे, बाहर का होगा तो फिर देखते हैं दोस्तों क्या करना है। तो अभी बच चुके हैं रात के 8 और फाइनली मैंने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी है दोस्तों यहाँ पे, और पेपर भी रख दिया है। और उस टाइम देखे थे आपने मैं सायाबाद गया था, वहाँ से आने के बाद तो कहीं का चक्कर नहीं आया कोई भी। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और आज का ब्लॉग दोस्तों मैं अपना यहीं एंड करता हूँ। आई होप हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।